मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के सोनाजी नगर में स्थित डीजी वन इलेक्ट्रॉनिक में 18 दिसंबर को चोरी हुई थी। उस चोरी में लगभग 16 मोबाइल फोन चोरी किए गए थे। दरअसल शादात शौकत खान ने मुमरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया था। उसके बाद ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में चोरों का चेहरा तो दिख रहा था, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद पुलिस आयुक्त गणेश गावड़े, सहायक पुलिस कलवा विभाग विकास शिंदे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक कड़लक की टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामला दर्ज कर तीनों पर आईपीसी की धारा 380, 458, 34 के तहत धाराएं लगाई गई है। इन तीनों अपराधी की पहचान मेहताब मोहम्मद शरीफ अंसारी, मोहम्मद सलीम अकबर अली शेख और मोहम्मद जाकिर के नाम की हुई है। चौथा अपराधी अभी फरार है, जिसे पुलिस ढूंढ रही है। जानकारी के मुताबिक इनमें से एक मोहम्मद जाकिर डीजी वन इलेक्ट्रॉनिक्स में सफाई करने का काम करता था। इस पूरे मामले को लेकर मुमरा के सीनियर पीआई अशोक कड़लक ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 28/12/22 को एक घरपुड़ी हुई थी डीजे वन, 18/12/22 को डीजे वन ये इलेक्ट्रॉनिक दुकान में सोनाजी नगर में जो है वहाँ घरपुड़ी हुई थी। वहाँ 16 मोबाइल चोरी हुए थे। उसमें हमारे डिटेक्शन टीम जो है एपीआई वोगल मुगले और टीम जो पीछे खड़े हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और कुछ तांत्रिक तपास करके ये गुना डिटेक्ट किया है। उसमें से 188,940 का माल रिकवर किया है। 3 आरोपी एक्यूज जो इनको अरेस्ट किया है, उसमें से एक एक्यूज अभी बाकी है, उसको हम जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। मेहताब अंसारी जो मेन एक्यूज है इसमें, उसके ऊपर 10 केसेस मुंबई में दाखिल है और कुछ केसेस रहने की आशंका है, वो हम निकाल के उसमें उसको कोर्ट में हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। 26 तारीख तक उनकी पुलिस रिमांड मिली है और कुछ उनके पास से और केसेस डिटेक्ट होंगे, उसके लिए हम और रिमांड की मांग करने वाले हैं। यही घरपुड़ी यानी कैसे जो बंद दुकान है, रात को वहाँ खिड़की से या फिर कोई गच वगैरह काट के, जैसे कोई शटर काट के अंदर घुसना और अंदर का जो भी माल है वो सब चोरी करके लेके जाना, ये इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी है।